हेलो दोस्तों, प्रकट मंच और मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ बहुत ही काम की दो टिप शेयर करने वाली हूँ। लड़कियाँ इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के बीच हमारे पास मेकअप का कुछ प्रोडक्ट जो है वो खत्म हो चुका है। माना कि हर कोई घर पे रह के मेकअप नहीं करता, लेकिन हम यूट्यूबर्स थोड़ा बहुत कर लेते हैं। वीडियो बनाना है तो थोड़े बहुत तो टच वर्च करके आएंगे ना, ऐसे थोड़ा आ जाएंगे। तो कभी कभी मैं ऐसे भी आ जाती हूँ, ज़्यादातर ऐसे ही आती हूँ। तो लेकिन हर एक काम है जो लगभग हर लड़की करती है घर बैठे, वो होती है अपने नाखूनों में नेल पॉलिश लगाना। दोस्तों लेकिन क्या है ना कि मेरे पास नेल पॉलिश रिमूवर खत्म हो गया। अब ये लगभग बहुत सारी लड़कियों की प्रॉब्लम है कि नेल पॉलिश रिमूवर खत्म हो जाता है, फिर हम अपने नेल पॉलिश को कैसे रिमूव करें ये समझ में नहीं आता। तो मैं आज आपको बहुत ही सरल से दो टिप्स, दो हैक शेयर करूंगी जिससे आप बहुत ही इजीली अपने नेल पॉलिश को रिमूव कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिना कोई नेल पॉलिश रिमूवर। तो वीडियो ना बहुत ही यूजफुल होने वाली है, इसलिए पूरा देखना है। इसके मत करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करा। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लगी घंटी बजा देना, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन, उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। दोस्तों क्या होता है ना, जो हम नेल पॉलिश लगा के रखते हैं नेल्स पर, वो लगाए लगाए ना बहुत ही हार्ड हो जाती है, यानी टाइट हो जाती है। तो उसको सॉफ्ट करना ज़रूरी है। अगर सॉफ्ट नहीं करेंगे ना तो ये इसे निकालने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, गर्म पानी लेंगे, गर्म यानी गुनगुना पानी लेंगे, उसमें 4 से 5 मिनट अपनी उंगलियों को डुबो के रखेंगे ताकि जो हमारी नेल पॉलिश है वो सॉफ्ट हो जाए। अब हम सबसे पहले नंबर हैक को ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ बॉडी स्प्रे जो मेरे पास पड़ा हुआ है। आपके पास कोई भी बॉडी स्प्रे है आप वो ले सकते हो। तो क्या करेंगे, हमें अपने नेल्स पर, अपने नेल पॉलिश पर स्प्रे को अप्लाई करना है। आप चाहो तो डायरेक्टली नेल्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर कॉटन में आप लगा लीजिए कॉटन में, और उसके बाद अपने नेल्स पर इसे रफ करना है यानी रगड़ना है। दोस्तों नॉर्मल हम नेल पॉलिश रिमूवर से छुड़ाते हैं, बहुत ही इजी होता है और बहुत ही कम टाइम में नेल पॉलिश रिमूव हो जाती है। लेकिन ये हमारा काम चलाऊ है इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको नेल पॉलिश रिमूव करने पर शायद 1 से 2 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि हमारी जो नेल पॉलिश होती है ना वो अलग अलग कंपनियों की होती है। कोई बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है, किसी को साफ़ करने में टाइम लगता है। तो इस तरह आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो अच्छे से इसे रगड़ना है, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं, हल्के हाथों से रगड़िए और धीरे धीरे आपके जो नेल पॉलिश होगी वो रिमूव हो जाएगी। दोस्तों मैंने अभी तक आपको अंगूठे पे लगी हुई नेल पॉलिश रिमूव करके दिखाई, आप देख सकते हो ना कितनी अच्छी तरह से रिमूव हो गई। अब मैं उसके बगल वाली उंगली पे भी सेम प्रोसेस अप्लाई करूँगी, सेम तरीका अप्लाई करूँगी और अपने नेल पॉलिश को रिमूव करूँगी। ये देखिए लगभग 1 से 1.5 मिनट में मेरी नेल पॉलिश है वो रिमूव हो चुकी है। आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, छटपट नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। तो दोस्तों इस टिप को जरूर ट्राई करना, ट्राई करने के बाद आपका अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करना। अब हम चलते हैं हैक नंबर 2। ये बहुत ही कमाल का है और हो सकता है हम में से बहुत से लोग इस हैक को जानते हों। तो दोस्तों अगर आप ये हैक जानते हैं ना तो कमेंट्स बॉक्स में यस ज़रूर लिखना। तो दोस्तों हमें क्या करना है, नई नेल पॉलिश जो होती है उसको पुरानी नेल पॉलिश यानी हाथों में लगी हुई नेल पॉलिश पर लगाना है, और 2 से 3 सेकंड बस आपको रुकना होता है और फिर कॉटन से धीरे धीरे पोंछना होता है। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस मुझे थोड़ा कम पसंद है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम नेल पॉलिश से नेल पॉलिश साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो हमारे नेल्स पर उसका कलर रह जाता है, तो ये देखने में बड़ा भद्दा लगता है। तो आपको क्या करना है, सेम पहले वाला जो हैक है यहाँ पर वो ट्राई करना है। तो आप बॉडी स्प्रे को ना, आप जिस नेल पॉलिश को साफ़ कर रहे थे, जिस नेल को, उस पर अप्लाई कर दीजिए और कॉटन से पोंछ दीजिए। फिर देखिएगा जो नेल पॉलिश का कलर जो रह जाता है वो भी साफ़ हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरह से साफ़ होगी हमारी नेल पॉलिश। तो दोस्तों ये 2 उपाय हैं जो बहुत ही कमाल के हैं, इसको ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए अब बाकी उंगलियों की जो नेल पॉलिश है उसे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। कितनी आसानी से मैंने जो अपनी नेल पॉलिश है उसको रिमूव कर लिया है। तो दोस्तों आप भी इन तरीकों को इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल करने के बाद आपका क्या अनुभव रहा मेरे साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करना। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसा कोई तरीका है नेल पॉलिश को रिमूव करने का तो मेरे साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। और हाँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लगी घंटी बजा देना, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन, उसे पे क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी
नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।